वंदे मातरम दोस्तों। दोस्तों आधुनिकता की दौड़ में जो आज युग चल रहा है इसके अंदर स्वास्थ्य की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। हमको आज बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती है जो मुश्किल से शुद्ध स्वदेशी हो या शुद्ध देशी कहे कुछ भी कह लो ये बहुत कम मिलती है, वरना सभी चीज़ें हाइब्रिड आदि जितनी भी केमिकल युक्त हो चुकी हैं सभी की सभी। आपको एक जानकारी देता हूँ, आप जो खाते हो ना केला खाते हो उसके अंदर कार्बाइड मिला हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड का कैसे मिलाते हैं इसको उसका भी बता देता हूँ। देखिए केला जो प्राकृतिक तौर पे पकता है ना वो अत्यंत मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। दूसरा और वो साइज में भी बढ़िया होगा, अच्छा उसका समय से पहले नहीं पका होगा, ये सारे केले के गुण होते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको जल्दी पकाने के चक्कर में क्या करते हैं, केला कच्चा तोड़ लेंगे, कच्चा तोड़ करके ट्रक के ट्रक तोड़ते हैं। हमारे यहाँ पर आप देख लीजिए कहीं पर भी कोई भी बड़ी मंडी हो जहाँ पर सब्जी आदि फल आदि आते हैं वहाँ पर आप जा करके देख लीजिए, कभी भी कच्चे केले आते हैं उनको क्या करेंगे, एक केमिकल आता है कैल्शियम कार्बाइड को पानी में घोल दो ना अगर, तो वो हीट पैदा करता है, हीट पैदा करेगा, उसके अंदर केलों को रख दिया जाता है। रखने के बाद अब उसके अंदर पानी में रखो रहेंगे तो हीट केलों के अंदर आनी शुरू होगी तो उससे वो पकना शुरू होंगे, इस तरह से पकाया जाता है। अब ये देखिए आप इसका उपयोग कैसे होता है, हालांकि कुछ देशों में इसको बैन है, कैल्शियम कार्बाइड को बैन किया गया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है। भारत में भी ये बैन की तो है ही लगभग, लेकिन इसका उपयोग एक सीमित मात्रा में बताया गया कि ये इस लेवल तक आप इसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन जो व्यापारी लोग हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं है तो वो अपनी जानकारी को अभाव में ज़्यादा केमिकल डाल देते हैं जल में ताकि जल्दी पक तो वो जितने टाइम पे उनको पकना उस समय पे तो पकेंगे, जल्दी पकाने के चक्कर में ज़्यादा केमिकल डाल देते हैं, उससे ज़्यादा विषयुक्त केले हो जाते हैं और हम लोग उसको खा लेते हैं तो हमको बीमारियाँ होती हैं। क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, पहली बीमारी पेट से संबंधित, पेट के विकार सबसे पहले शुरू होंगे। और आप देखिए कुछ भी चीज़ खाते हो उसको खाने के बाद खून में वो तो मिलना ज़रूर है, अगर खून में कैल्शियम ये कार्बाइड मिल गया, ये केमिकल मिल गया खून के अंदर, तो क्या करेगा आपके शरीर के जितने भी सारे अंदरूनी अंग हैं उन सब में वो पहुंच जाएगा, त्वचा में जलन होगी, आँखों में जलन होगी और अल्सर हो जाएगा पेट में, भयंकर भयंकर बीमारियां आपको होने वाली हैं अगर आप कैल्शियम कार्बाइड युक्त केला खाते हो। उसकी पहचान क्या करनी है वो आप साइड में देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। जो कैल्शियम कार्बाइड युक्त केला होगा ना उसके जो डंठल जहाँ पर सारे केले मिलकर के जुड़े होते हैं वो डंठल जो होगा उसकी तरफ हरा हरा सा रंग होगा, पहली जानकारी। दूसरी नींबू जैसा रंग होगा केले का, नींबू के समान रंग होगा। तीसरी जानकारी बिल्कुल साफ होगा, एक भी दाग धब्बा नहीं होगा, पके हुए केले के ऊपर छोटे छोटे काले काले धब्बे होते हैं, उसको खराब समझ के नहीं लेते हम लोग, लेकिन वो प्राकृतिक तौर से पका हुआ है और अमृत है स्वास्थ्य के लिए। अब आप पहचान जो प्राकृतिक तौर पर पका हुआ उसके क्या करेंगे, बताया आपको डंठल जो होगा वो केमिकल वाला तो हरा होगा लेकिन जो असली होगा वो काले रंग का होगा, जो नेचुरल प्राकृतिक तौर पर पका हुआ होगा। दूसरा उसके ऊपर बताया कि काले धब्बे होंगे। तीसरा नींबू जैसे रंग का नहीं होगा, वो पीले रंग का होगा। ये कुछ जानकारियां हैं जिससे आप पहचान कर सकते हो। अब देखिए आज जो हम यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं ये भोजन, इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों की नसों में विष घुल रहा है, हमको जो बीमारी लग गई तो समझ लीजिए आगे वाली पीढ़ियों में प्रेषित हो जाएगी, चली जाएगी अपने आप। दूसरी बात, अपने जीवन में जितना हो सके प्राकृतिक खाने को बढ़ावा दीजिए, इसके फायदे अनेक हैं, हानि एक नहीं फायदे अनेक है। प्राकृतिक तौर पर कैसे पकाया जाए, समय से पहले ना पक
उसको तोड़ा जाए। उसको पकाने के लिए खाद, पेस्टिसाइड्स आदि कुछ भी इस्तेमाल ना किए जाएं, वो होता है प्राकृतिक। इतना स्वाद खाने में, और उसको पकाओ आप जो केमिकल वाला होगा उससे जल्दी वो पक जाएगा प्राकृतिक वाला, और अमृत के समान उसका स्वाद होगा। आपने कभी मिट्टी के बर्तन में दाल खाई होगी, नहीं खाई तो एक बार खा करके देख लीजिए, कुकर वाली दाल और मिट्टी के हांडी वाली दाल आप खा करके देख लेना, जमीन आसमान का अंतर होगा। मिट्टी वाली तो अमृत होगी और ये वाली जहर आपको लगेगी, तब उसको खाना नहीं बोलोगे कभी और हमेशा खाते ही रहोगे। कुछ ऐसी बातें हैं जैसे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नेचुरल और केमिकल, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। इनकी जानकारी मैं आगे GMO के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर पूरी तरह से देने वाला हूँ। ऑर्गेनिक खेती महंगी होती है बहुत ज़्यादा, और इसको सरकार सब्सिडी भी नहीं देती। दूसरी केमिकल वाला आपको पता ही है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये जितनी भी डाली जाती हैं खाद के रूप में, यूरिया। तीसरी होती है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग आप अगर किसान हो या फिर करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन जो है उसमें आप देख लीजिए क्या पर कैसे नेचुरल फार्मिंग करेंगे, और सुभाष पालेकर जो इसके जनक माने जाते हैं आज के समय में, उनके व्याख्यान आप सुन सकते हो आई बटन में जा करके। तो आप भी प्राकृतिक खाना शुरू कीजिए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। माँ बाप बच्चों के हितेशी होते हैं, लेकिन आज के समय में ये परिभाषा थोड़ी बदल चुकी है। वो अनजान है, ये नहीं कहूँगा कि वो अपने बच्चों के विरोधी हैं या दुश्मन हैं, अभी भी हितेशी, लेकिन वो अनजान है इस चीज़ से कि हमारे बच्चे हमारे बच्चों की नसों में ये विष घुल रहा है जो आने वाले समय में उनको परेशानी पैदा करेगा। तो जितना हो सके प्राकृतिक को और ऑर्गेनिक खाने को, भोजन को बढ़ावा दीजिए। जित फल आदि खाओ तो नेचुरल पका करके खाओ, समय से पहले मत तोड़ो उनको, और पकाने की कृत्रिम तरीके से पकाने की उसको कोशिश भी मत करो। जो पेड़ रस छोड़ेगा फलों के अंदर वो अत्यंत मीठा होगा, आप चाहे जैसे पका लो वो वैसा मीठा नहीं हो सकता। समय पर परिपक्व होने दीजिए, उसके बाद आप कीजिए उपभोग, तो आपको भी अमृत लगेगा और पेड़ को भी कष्ट नहीं होगा। इसी भावना के साथ आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।